हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बास्केट पावर लिफ्टिंग। एक महीने बाद वापस आ रहा हूँ क्योंकि नेशनल आने वाला था तो नेशनल भी ध्यान दे रहा था। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, मेरे लिए गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया सेकंड प्रायोरिटी है मेरी। तो अब वापस आए हैं, 15 दिन रह गए हैं। आज डेडलिफ्ट का रूटीन है लाइट, तो आपको आज की मैं ट्रेनिंग दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि मैं अब 15 दिन पहले मतलब मैं क्या ट्रेनिंग कर रहा हूँ डेडलिफ्ट के साथ, क्या एक्सेसरीज वर्कआउट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा अंदाजा हो जाए। क्योंकि आखिरी टाइम पे बहुत ज्यादा हमें एक्सेसरीज पे ध्यान नहीं देना, मैं तो नहीं देता। मेरे सजेशन यही रहेगा कि करनी है जो मेन चीजें हैं जो हमें हेल्प करेगी इस टाइम पे, सिर्फ वो। बहुत ज्यादा पागल नहीं होना एक्सेसरीज वर्कआउट पे, और जितनी पावर बढ़ानी थी आप 2-3 महीने में बढ़ा चुके हो, इस टाइम आपको मेंटेन करके रखनी है। एंड बाकी मैं आज आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो मैं ट्रेनिंग के बाद घर पे आके बात करूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, आपको बास्केट पावर लिफ्टिंग अकेडमी जिम भी दिखाते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी दिखाते हैं थोड़ी बहुत जो करनी है आज। फिर उसके बाद रात को बात करेंगे कॉस्ट्यूम वगैरह के लेके। इक्विप्ड लिफ्टर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो, इक्विप्ड लिफ्टिंग के लिए। यहाँ से रोड निकल रही है, यहाँ पे हमारा जस्ट बिहाइंड इसके जिम है, आने वाला हमारा जिम आ गया। अपने जिम में हमें पार्किंग नहीं मिलती, तो एथलेटिक मसल्स बास्केट पावर लिफ्टिंग अकेडमी। Watch out, 'cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked. चल छत्तीसगढ़िया, ये हमारी पलवल, ये छत्तीसगढ़, ये सांपला, और ये। I am a hunter, rapping filled with demons and hunger. I am the thunder, I command the masses in numbers. Look at the fear in their eyes, this is what happens when you are surprised. It's time to meet your demise, just call me Zeus and look to the sky. Everything's amplified, no they cannot deny. I will be rectified if you dissect me, find scars that you left behind, injuries that define me to my core. They'll hear me roar like never before, the pain I absorbed is feeding my core. I'm hard to ignore, I'll beat down your door. If you wanted war, well then you got war. And they know that I won't surrender, so they fear me as a contender. When I fight they always remember, yeah. I will be done, I won't let go. I will not stop, I will be great. I will be done, I won't let go. I will not stop, I will be. So guys, छत्तीसगढ़िया मेरी वो बना रहा है वीडियो, मेरा कैमरामैन छत्तीसगढ़ से है स्पेशल। तो ये हमारे जिम का ऑफिस, जिसको डब्बे शब्बे लेने हो वो भी ले सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। सप्लीमेंट चाहिए हो तो अवेलेबल है, और ये हमारे जिम का ही ऑफिस है, ऐसा नहीं कहीं और आके बैठ गया हूँ। एक्चुअली क्या है कि बाहर म्यूज़िक वगैरह बहुत चल रहा है, तो कुछ बताना है तो मैं अंदर आया हूँ। गुरु जी की और जिम की तरह वाली बात नहीं है, ऑफकोर्स वहाँ पर म्यूज़िक ही नहीं है, वीडियो बनाना बड़ा ईजी है अगर, और वीडियो के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती, पर हमारे में थोड़ा म्यूज़िक वाले बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ट्रेंड के हिसाब से देना पड़ रहा है म्यूज़िक। अब ये सब हटाओ, अब मेन बात ये है कि अब मैंने 200 के 3 रैप करे, 3 सेट डेड के, ठीक है, लाइट ट्रेनिंग करी है। क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर ही मैं अपने स्टार्ट के 3 रैप मारने वाला हूँ, ठीक है, और इसलिए अभी मैंने लाइट ट्रेनिंग करके छोड़ दिया, डेड में 200 तक ही गए। और मेन चीज़ जो मेरे को ट्रेनिंग दिखानी है कि मैं और अभी क्या क्या करूँगा 15 दिन पहले, अगली ट्रेनिंग रहेगी मेरी पेंडले रोज़, तो मेरे को कुछ भी बताना होगा अंदर आके बताऊँगा, बिकॉज बाहर डिस्को चल रहा है, तो थोड़ा सा बार बार अंदर आना पड़ेगा। पर अच्छी बात है, मेरा कैबिन देखो सेक्सी लग रहा, नहीं लग रहा भाई, और हाँ हमारे भाई ने याद दिलाया
बहुत ज़रूरी चीज़। किसी को भी सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हो तो एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन से लीजिए, क्योंकि एक साल दो महीने से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और बढ़िया रिजल्ट है। और प्रोटीन तो खासकर यूज़ करके देखो कि जो गिल्टी गांठ ये सब बन जाती है ना प्रोटीन्स में, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स होता है। कोई भी अभी तक मेरे को कंप्लेंट नहीं आई, जितने भी मेरे क्लाइंट वगैरह जिन्होंने भी मेरे से लिया है। और ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हो, उसमें आप कोड लगा सकते हो भास्कर 017, आपके ऊपर स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा होगा ये कोड। एंड मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिए, एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन में काफ़ी बड़ी रेंज है, प्रोटीन्स की इतनी रेंज है कि आप पागल हो जाओगे देख देख के, और इतने फ्लेवर्स, और सारे फ्लेवर ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे हैं। ये नहीं कि मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, पर मैं सच बता रहा हूँ, प्रोटीन तो ज़रूर ट्राई करके देखिए इसका। अब चलते हैं पेंडले रोज की तरफ। Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's go! I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe that I can adjust. Positive thoughts, I'm starting to trust. Nothing's deserved unless you work. Something of worth requires an urge. I have been hurt by those at their worst, but that gave me will, some power, a surge. And they know that I won't surrender, so they fear me as a contender. When I fight, they always remember, yeah. I will be known, I won't let go. I will not stop, I will be great. I will be known. I am a hunter, I've been filled with demons and hunger. I am the thunder, I command the masses in numbers. Look at the fear in their eyes, this is what happens when you are surprised. It's time to meet your demise, just call me Zeus and look to the sky. Everything's amplified, no they cannot deny. I will be rectified if you dissect me, find scar tissue left behind. Injuries that define me to my core, they'll hear me roar like never before. The pain I absorbed is feeding my core. I'm hard to ignore, I'll beat down your door. If you wanted war, well then you got war. And they know that I won't surrender, so they fear me as a contender. When I fight, they always remember, yeah. सो भाई ये ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दिखाई है, आप लोग देख रहे होंगे एक ही कोने पे सारी ट्रेनिंग ख़त्म कर दी। बिकॉज़ अभी वो टाइम नहीं है कि मैं पागलों की तरह अपनी एक्सेसरीज वर्कआउट पे बॉडी को लोड दूं, क्योंकि अभी पीकिंग टाइम था, तो हैवी पे हैवी, हैवी पे हैवी चल रही थी। आपसे स्टार्ट लिफ्ट रह रही हैं, एक बार वहीं तक जाएंगे। एंड बस यही है दिखाने, मेन चीज़ दिखाने की यही थी कि 15 दिन पहले ट्रेनिंग कहाँ जा रही है, क्या कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे को पता है कई लोग आखिरी तक, कहीं नहीं, बिगनर्स होते हैं आखिरी तक बॉडी को तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, एंड में एग्जॉस्ट हो जाती है, फटीग हो जाती है, उतना रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाती। और जैसे कि इक्विप्ड लिफ्टिंग की बात करनी थी, पहले सोच रहा था घर जाके बताऊँगा, अभी बता देता हूँ। इक्विप्ड लिफ्टिंग का ऐसा है, अक्सर क्वेश्चन होता है सबका कि भाई हम कॉस्ट्यूम का साइज़ क्या लें। अब जैसे दो बच्चे हैं, मैं कैटेगरी बताऊंगा, 83 वेट कैटेगरी, ठीक है, दो बच्चे हैं तो दोनों का ज़रूरी नहीं है स्ट्रक्चर सेम हो, चाहे वो बेंच का कॉस्ट्यूम हो। किसी के बाइसेप हैवी हो सकते हैं, किसी के पतले, कोई ब्रॉड हो सकता है, कोई ब्रॉड होने के बाद बाइसेप हल्के रख सकता है। अब 93 में मेरा स्टूडेंट है प्रद्युमन, ठीक है, वो 44 नंबर टी शर्ट पहन लेता है बेंच की, बट 93 में 48 भी पहनते हैं लोग, 93 में 42 भी पहनते हैं लोग। तो आपको सबसे पहले तो कंपनी के मेजरमेंट साइज़ पे जाओ, और आजकल इंडिया में डीलर अवेलेबल हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, सुमित ढींगरा, राजस्थान का, आप लोग मोस्टली जो क्यूब लिफ्टर्स हैं उनको पता ही होगा, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी मैं डिटेल और डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दूँगा वीडियो में, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके पास आपको हर साइज़, हर चीज़ जो भी क्यूब लिफ्टिंग के लिए चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। एंड
यही मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें ऐसा होता था कि हम बाहर से बुक कराते थे, डायरेक्ट जो साइज़ समझ आता था वो मंगवा लेते थे, पर अब तो बहुत ईजी है, थोड़ा डीलर भी आपका साथ दे जाते हैं, सुमित बहुत अच्छा बंदा है, अगर आप लोगे उससे तो ऐसा नहीं है साइज इशू आएगा तो आपको बढ़िया गाइड कर देगा। तो मेरा बस यही कहना है, किसी को देख के या ये नहीं कि इसने ये नंबर पहना हुआ यही नंबर मैं भी ले लूँ, ये गलती मत करना, क्योंकि बाद में इतना इन्वेस्टमेंट होती है, 22,000 रुपये की बेंच की शर्ट है आज के टाइम पे और 19,000 का सुपर सेंचुरियन, तो भाई इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल देख के इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आगे तक काम आएगा आपके। और जैसे मैं सुमित ढींगरा का बताया है, आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन डाल ही दूँगा नीचे। और इक्यूब लिफ्टिंग के बारे में अगर और चीज़ें जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे मेरे को ड्रॉप करिए मैसेजेस कि आपके मन में क्या क्या इंक्वायरीज हैं, क्या क्या आप जानना चाहते हो, किस किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो उसी के ऊपर मेरे को बनाने में मज़ा आएगा कि आप लोगों की क्वेरीज हैं क्या। अब मैं अपनी तरफ से जो जो बताता जाता हूँ बताता रहता हूँ वो अलग चीज़ है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में जो चीज़ें आप लोगों को समझ ना आ रही हो उन चीज़ों का मैं आंसर करूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको हेल्प भी मिलेगी। और सीनियर नेशनल के बाद, अगस्त वाले नेशनल के बाद रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा, अभी उसके लिए सॉरी एक मिनट अच्छे बाहर हूँ, क्योंकि हमेशा ही बोलता हूँ गेम पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि गेम की वजह से ही हूँ जो हूँ आज, सोशल मीडिया मेरी सेकंड, बट हाँ सोशल मीडिया पे भी अब आएंगे, जितना हो सकेगा उतना आएंगे, व्लॉगिंग का तो नहीं कहता कन्फर्म, बट हाँ ट्रेनिंग वीडियोज जो पहले बनती थी वो बनाना शुरू कर दूँगा। तो तब तक के लिए भाई प्यार दिखाओ, थैंक यू, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।